हेलो गाइस, वेलकम टू चारापोना। चारापोना में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। तो दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु के पीछे ये जो गटर रूट यानी जो बॉलीवुड है, ये बॉलीवुड की ऐसे बहुत सारे लोग थे जो कि सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु के पीछे शामिल हो सकते थे। पर आज के दिन में देखिए, यही बॉलीवुड को लेके आज के दिन में हमारी देश की कई सारे नेता मंत्री लोग उन लोगों को सर पे लेके नाचने की कोशिश कर रहे हैं। इनफैक्ट नाच रहे हैं। उन लोगों को हर एक फील्ड पर मौका दिया जा रहा है कि तुम लोग आगे बढ़ो, तुम लोग ये बॉलीवुड जैसी ये घटिया जगह पे तो तुम लोग काम कर ही रहे हो, साथ ही साथ क्यों ना और भी थोड़ा घटिया जगह पे तुम लोग काम करो। यानी पॉलिटिशियन और पॉलिटिक्स से बड़ी घटिया जगह और क्या हो सकता है। तो आज पॉलिटिक्स और बॉलीवुड दोनों की एक मेल बंधन हमें देखने के लिए मिलता है हमारी समाज के अंदर, हमारी देश के अंदर। पर ये जो बॉलीवुड है, ये बॉलीवुड एक्चुअली कितनी डीप एक ड्रेन है, कितनी डीप एक गटर है, इसके बारे में वो ही लोग कह सकता है जो लोग बेसिकली उस गटर से उठ के आ चुके हैं, जो समझ पाए हैं कि ये एक्चुअली गंगा नहीं है, ये एक्चुअली एक गटर है जहाँ पे गंदगी रहता है। और उस गंदगी से निकल के जो आ सकता है बाहर, वो ही इस गटर को लेके खुलासा कर सकता है। तो ऐसा ही एक व्यक्ति का खुलासा आज मैं आप लोगों के सामने रखूँगा, जो कि हमारे सामने ये बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश किया अपने हिसाब से कि ये बॉलीवुड की जो माफिया राज चलता है, ये बॉलीवुड में जो पॉलिटिक्स घुसा हुआ है, ये बॉलीवुड जो है वो किस तरीके से न्यू कमर्स को नोच नोच के खाने की कोशिश करते हैं, बर्बाद करने की कोशिश करते हैं, सपोर्ट करने की जगह उन लोगों की जो भयंकर रूप है वो रूप को पूरा एक्सपोज करने वाले हैं। ऐसा ही एक व्यक्ति का वीडियो आज मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ, एक बार आप लोग देखिए चीज़ को। तो बॉलीवुड की लगभग जाने माने एक डायरेक्टर और प्रोड्यूसर जिन्होंने लकीर की फकीर और घोस्टोरी जैसे मूवी बनाई, यानी जुबेर खान, उन्होंने बॉलीवुड के बारे में बहुत बड़ी कुछ चीज़ें हम लोगों के सामने रखा। हालांकि आप में से बहुत सारे लोग उस चीज़ को सुने होंगे, पर आज मेरे नज़रों से सुनिएगा कि वो एग्जैक्टली कुछ पॉइंट ऐसा कहा जिस पॉइंट से बहुत सारे चीज़ प्रूफ हो जाते हैं। दोस्तों, शांसिक राजपूत मर गया, उसका बिचारे का इस दुनिया से चला गया। थोड़ा कम कर आवाज़, थोड़ा फिल्म इंडस्ट्री की हकीकत बताने दो। ये फिल्म इंडस्ट्री की हकीकत आप लोगों को बताता हूँ, ये चिराग तले अंधेरा जो होता है ना, वो मरा नहीं है, उसे मारा गया है। फिल्म इंडस्ट्री एक लॉबी पे काम करती है। फिल्म इंडस्ट्री सिर्फ 4-5 लोग ही चलाते हैं। फिल्म इंडस्ट्री जो है ना, जो आज की तारीख में कॉरपोरेट कल्चर के नाम पर ये कुछ 5-6 लोगों के बाप की जागीर बन गई है बॉलीवुड इंडस्ट्री। और यही 5-6 लोगों को आज के दिन में हमारी इंडिया की पॉलिटिशियन सर पे लेके नाचते हैं, उन लोगों को देश की अमानत समझते हैं कि यही लोग हैं हमारी देश की प्राइड। जो लोग ये फिल्म इंडस्ट्री में अपनी दादागिरी करते हैं, अपनी ये गुंडागर्दी करते हैं, जिन लोगों को एक शब्द में अगर कहा जाए तो उन लोगों को गैंगस्टर कहा जाते हैं, और वही गैंगस्टर आज हमारी देश के लिए एक अमानत बन चुके हैं, और वही लोग रूल करते हैं। और उसके सदके का नींबू बन गया बेचारा सुशांत सिंह राजपूत। बहुत लोग हैं ऐसे में कई एक्टर्स को जानता हूँ जिनको अच्छे अच्छे को घर में बिठा दिए। तो ये चीज़ है, इस वीडियो को शेयर करिएगा कि भैया स्ट्रगल करते हैं तब कोई आता नहीं है पूछने के लिए, और जब स्टार बन जाते हैं तो सारे रिश्तेदार करीब आने लगते हैं, सारे दोस्त यार करीब आने लगते हैं। लेकिन जो इंसान फाइट कर रहा होता है ना, उसको पता होता है कि ये फिल्म इंडस्ट्री जिसी दिखाई देती है ना, वैसी नहीं है, बहुत गंदी है। इतनी गंदी इंडस्ट्री है ना कि जिसकी कोई हद नहीं। यहाँ पर लोग अपनी बोलते ना, बहन बेटी को सुला देंगे पिक्चर के लिए, ये वो लाइन है। एग्जैक्टली, बात सुन के शायद लग सकता है कि ये क्या कह रहा है, पर यही सच बात है। उन लोगों के लिए अपनी घर की बहन बेटी की कोई अहमियत नहीं है, और ये एकदम ट्रू, हर्ष ट्रू है, क्योंकि आज के दिन में हम उस फिल्म इंडस्ट्री से बहुत बहुत क्रोसो दूर है। तो जिसके कारण उस जगह का जो अंधेरा है वो हम महसूस नहीं कर सकते। तो
ये जुबीर खान साहब जो कह रहे हैं वो कुछ भी गलत नहीं है। आप अगर थोड़ा सा रिसर्च करेंगे, इतना दिने से यानी सुशांत सिंह राजपूत के केस होने के बाद मैंने बहुत, दोस्तों सच मानिए, मैंने इतने सारे रिसर्च किया, चाहे वो सुशांत की केस के ऊपर हो, बॉलीवुड के केस के ऊपर हो, हमारी देश की पॉलिटिक्स के ऊपर हो, तो रिसर्च करते करते कुछ ऐसा चीज़ के बारे में जानकारी जब लगता है जिसके जिसको सुनने के लिए आप रेडी नहीं हैं, आप सोच भी नहीं सकते कि ये चीज़ ऐसा हो सकता है या फिर इसके पीछे इसका हाथ हो सकता है या फिर मतलब इसके साथ ये जुड़ा हो सकते हैं, तो इतनी घिनौनी एक चीज़। ये जुबेर जी जो भी कह रहे हैं वो एकदम 100% ऑथेंटिक बात है और उसी के साथ ऑथेंटिक तो होना ही है। बंदे, ये जो बंदे हैं ये ने बॉलीवुड को करीब से देखा है, बॉलीवुड में घुस के बॉलीवुड को देख के आए हैं, तो उनको बहुत अच्छी तरीके से पता है उन जो गटर की जो कीड़े हैं वो कीड़े मकोड़े के बारे में। और वाकई में हमने ये गंदगी देखी है और अल्लाह का शुक्र है कि हम इस गंदगी से फिल्म इंडस्ट्री में रहने के बावजूद अल्लाह ने हमको इस फालतू चीज से दूर रखा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करोड़ों एहसान है। तो भाई ये तो फिल्म इंडस्ट्री बहुत गंदी चीज़ है। जो लोग सपना देखते हैं ना, मत आओ भाई, यहाँ तुम्हारे को लड़ना पड़ता है। जब तक तुम खुद से लड़ नहीं सकते हो ना, लड़ना पड़ता है भाई। और लड़ते लड़ते जब तुमको तो अकेला कर दिया जाएगा, तुम लड़ोगे, लड़ते लड़ते तुम आगे बढ़ रहे हो, तुम लड़ रहे हो, जब उन लोगों को, उन गैंगस्टर को लगेगा, जो चार पांच गैंगस्टर ये पूरी की पूरी फिल्म इंडस्ट्री, पूरी की पूरी बॉलीवुड को हैंडल कर रहा है, जब वो लोग देखेगा कि ये बंदा लड़ते लड़ते सबसे आगे निकल जा रहे हैं, तो उसके बाद उसको सुशांत सिंह राजपूत बना दिया चाहते हैं। और यही फैक्ट है, यही सच है। कुछ खबर जो है वो हमारे सामने आते नहीं है, कुछ नॉमिनल एक केस बना के उसको न्यूज़पेपर की एक छोटा सा आर्टिकल में प्रकाश किया जाते हैं और कुछ केस सुशांत सिंह राजपूत की केस बन जाते हैं, कुछ ऐसे सारियन के लिए जो कि अपनी कान और आंखें खोल के उस चीज़ को एनालाइज किए हैं। नहीं तो आज के दिन में सुशांत सिंह राजपूत की केस भी उस डेट की न्यूज़पेपर की एक पेज की एक सिर्फ न्यूज़ बन के रह जाता बस। पर ये तो सुशांत सिंह राजपूत की फैंस की बदौलत है कि उन्होंने सब कुछ नोटिस करके इतना बड़ा एक मूवमेंट तैयार किया आज के दिन में। तो सच्चाई सुन रहे ना आप, और एंड तक लड़ना पड़ता है, जद्दोजहद है, स्ट्रगल है। आप चाहे कितने बड़े भी स्टार क्यों नहीं बन जाओ, आपको इनसिक्योरिटी रहती है कि मेरी जगह चले जाएगी, कि मैं अभी बूढ़ा हो रहा हूँ, बूढ़ा हो गया हूँ तो मेरे को कोई कुत्ता नहीं पूछेगा, क्योंकि पुराने सारे फिल्म स्टार्स के लोगों ने देख लिए हालत। तो हर कोई जो है ना फिल्म इंडस्ट्री को टेक ओवर करना चाहता है, और इसी का बेचारा भेंट चढ़ गया। एक बहुत अच्छा इंसान था सुशांत सिंह राजपूत, और बहुत अच्छा दोस्त भी था, दोस्त तो नहीं बोलूँगा, ठीक ठाक जान पहचान थी, सलाम दुआ थी, और एक बहुत अच्छा ग्राउंडेड इंसान था यार, बहुत ग्राउंडेड इंसान था। सब्जेक्ट सुना उसने यार, उसने सब्जेक्ट सुनने के लिए टाइम दिया मेरे जैसे डायरेक्टर को, तो बहुत बड़ी बात है। बस यही बोलूँगा, इसीलिए मैं कम फिल्में बनाता हूँ भाई। इस फिल्म लकीर का फकीर पिक्चर बनाने में भाई गाढ़ का गूदा लगा दिया, जोर लगा दिया। इन लोग क्या करते हैं मालूम है, नया पूछे कौन है तुम्हारी फिल्म में, तो मैं बोला भाई एजाज खान है, तो बोले नहीं चाहिए। मतलब नए किसी को कोई चांस कभी दिया नहीं जाएगा, तुम नए हो मतलब तुमको ये बॉलीवुड में घुसने की मौका नहीं देंगे। तुम्हारी औकात कैसे हो गया कि हम जैसे ये इतनी बड़ी बड़ी स्टार के बीच में तुम आ गए कहाँ से उठ के, मतलब ऐसा मेंटेलिटी सेट करके बोलो घूमते हैं। पर जब कोई शो पर आएगा, पर जब कोई फंक्शन पे आएगा, तो कुछ खुद को इस तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं कि इन लोगों से बढ़िया लोग तो और दुनिया में है ही नहीं, ये ही लोग हैं वो लोग, जो लोग मतलब सफ़ेद दिल वाला जिसको कहते हैं वो लोग यही है। इतनी गहरी दोस्ती, इतनी गहरी प्यार एक दूसरे के साथ देख के लगते हैं कि वाओ, ये जो रंगीन जिंदगी है बॉलीवुड की कितना बढ़िया है। पर उसके नीचे जो अंधेरा है, उस अंधेरे के बारे में बहुत ही कम लोग बोल पाते हैं, इनफैक्ट बोलने की कोशिश करते हैं। किसी किसी को तो शायद इस दुनिया से ही गायब कर दिया जाते हैं, और कोई कोई अपनी गट्स दिखा के बोलते हैं, ये जुबेर खान की तरह। तो और क्या कह रहे हैं थोड़ा सा सुन लेते हैं। नहीं चाहिए, फिर थिएटर में खुद रिलीज करने गए तो थिएटर नहीं देते, ये इनकी दादागिरी है। खुद फिल्म रिलीज कर रहा,
इरफान टीन वाला भाई हमारे है, उनके साथ में मिलके हम लोगों ने फिल्म रिलीज करी, तो थिएटर तक की हमको नहीं दे रहे थे। ये इनकी लॉबी ऐसी है कि न्यू कमर आ रहा है, नया डायरेक्टर है, तो भाई कितने हम लोगों ने तो झगड़े किए। हम लोग ने तो मल्टीप्लेक्स में जाके भाई एजाज खान ने मैंने जाके माँ की आँख माँ बहन करे तब जाके। और यही नए डायरेक्टर जब दो तीन मूवी लगातार हिट दे देगा, उसके बाद उसकी अगली मूवी में वो जो चार पांच लोग जो कि ये बॉम्बे नहीं सॉरी मुंबई फिल्म इंडस्ट्री को हैंडल करते हैं, जो कि दादागिरी जमा के रखे हैं, उन लोगों को उनकी मूवी के अंदर लेना ही होगा, लेके काम करना ही होगा। यानी तूने चार पांच मूवी या फिर दो तीन मूवी है तूने बैक टू बैक हिट दे दिया, मतलब उसके बाद अगला नंबर हम लोगों का है। यानी तेरे कहानी के अंदर मैं फिट हो चाहूँ ना हो, नया कहानी लिख के मुझे साइन करा के मुझको देके काम करा। और जब एक नया व्यक्ति उसको कामयाबी अगर थोड़ा सा दिखने के लिए मिला, बस वो लोग पहुंच जाएंगे उनके पास वो कामयाबी चाटने के लिए। इन लोग ने हमको स्क्रीन दिए, पैसे दिए, हम लोग ने पैसे दे के स्क्रीन लिए, ऐसी तो ये इन लोगों ने दशा बना के रखी है बॉलीवुड की, गंदगी बना के रखी, गंदगी एक गटर बन चुका है बॉलीवुड। और मेरे को अल्लाह का करोड़ों शुक्र है कि मैंने उस गटर से ना बहुत बच बच के निकला हूँ। जो लोग निकलते हैं वो लोग बच के ही निकलते हैं, क्योंकि ये गटर उठ किसी को बचने नहीं देगा। अगर आप सोच रहे हैं कि आप उस गटर से निकल के उस गटर की सच्चाई को लोगों के सामने रख देंगे, और शायद सुशांत सिंह राजपूत के साथ भी कुछ ये ही हुआ होगा, जो कि प्रमाण करना तो हमारी देश की जो नंबर वन एजेंसी है सीबीआई का काम है, पर पता नहीं शायद सीबीआई जिसके अंडर में काम करते हैं वो लोग ही बॉलीवुड को सपोर्ट करते हैं, वो लोग ही बॉलीवुड को सर पे चढ़ा के रख दिए हैं, वो लोग ही बॉलीवुड को कंट्रोल भी कर रहा होगा। तो जिस वजह से ना ही कुछ सामने आएगा ना ही कुछ आप जान पाएंगे, जिसके ऊपर आप उम्मीद लगा रहे हैं वो ही बॉलीवुड की पैरों तले पड़ा है बॉलीवुड की सपोर्ट के लिए। तो जो भी है सच सामने तो है ही आप लोगों की। तो इतनी अच्छी करके जुबैन खान ने हम लोगों के सामने ये चीज़ को एक्सप्लेन किया है, इससे लगभग एक चीज़ तो साफ हो जाते हैं कि सुशांत की मौत के पीछे बॉलीवुड का ये जो लॉबी था, ये लॉबी बहुत ज़्यादा बहुत बड़ी मात्रा में एक्टिव था उस टाइम पे। और उसी के साथ साथ जुबैन खान ने जो पहले ही कहा कि सुशांत की मौत के पीछे ये बॉलीवुड ही जिम्मेदार हो सकते हैं या फिर है। तो दोस्तों इसके बारे में आप लोगों का क्या कहना है, आप लोग आराम से कमेंट सेक्शन पे कमेंट जरूर करिएगा। तो मिलेंगे मेरे नेक्स्ट किसी वीडियो पे, टिल देन सब कोई खुश रहिएगा, बढ़िया रहिएगा,